हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एनके सिंह एंड यू आर वॉचिंग एनकेएस एकेडमी। इलेक्ट्रिक डायपोल के प्रीवियस सेशन में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला था और उस फील्ड में उस डायपोल के डायपोल पे फोर्स, टॉर्क, वर्क, राइट, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आइए इस वीडियो सेशन में हम उसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं और उसके बिहेवियर को चेक करते हैं, उस पर टॉर्क क्या होने वाली है, उस पर फोर्स क्या होने वाली है, राइट। तो इन सब चीजों को इस वीडियो सेशन में देखना चाहेंगे। जो लोग इस वीडियो सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो सेशन को आई बटन पर क्लिक करके देख लें, फिर इस वीडियो सेशन को आप एंजॉय कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो मैंने हेडिंग लगा रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती थी और डायरेक्शन भी सेम होती थी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो अभी हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डालें तो कैसी बिहेवियर होगी। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से हम बना पाएंगे, कुछ इस तरीके से, ऐसे रफली। तो ये अपना नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो पहले जो डिस्कशन करेंगे हम लोग फोर्स पे करेंगे, राइट। प्रीवियस सेशन में क्या देखा था कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डालते थे तो जितना प्लस पे चार्ज लगती थी राइट, उतनी ही माइनस पे लेफ्ट, नेट फोर्स क्या होता था, जीरो। क्या ऐसी सिचुएशन में होने वाली है क्या, सोचो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहां पे फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगेगी, यहां पे फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगेगी, यहां की मैग्नीट्यूड कुछ और होगी, यहां की मैग्नीट्यूड कुछ और होगी। मैं वो इंडिकेट नहीं कर रहा, सपोज करो कि यहां की कुछ फोर्स इस साइड में है, कुछ QE1, और यहां पे फोर्स कुछ और डायरेक्शन में है, मान लो QE2, क्लियर। ये माइनस है तो ऑब्वियसली इस साइड में होगी और प्लस है तो इस साइड में। तो यहां पे ये नहीं बोल सकते हैं कि यह कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगी। तो यहां पे साफ क्लियर है कि क्या F नेट कभी जीरो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये बात तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो जब F नेट जीरो नहीं हो पाएगा, मतलब पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास या तो राइट मूव करेगी या लेफ्ट मूव करेगी या अप मूव करेगी या डाउन, किधर भी वो मूव कर सकती है। तो यही चीज हमें समझना है। इसका साफ मतलब है कि इसमें कैसी मोशन होने वाली है, ट्रांसलेशनल मोशन होने वाली है, क्लियर है। ये तो बात समझ में आ रही है। मैं कभी कभी ऐसा भी फील्ड ले सकता हूं, आप इस चीज को थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा। मान लीजिए कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा बट मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो वैसे केस को भी हम चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, राइट, और यहां पे इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए कुछ ई टू है, और इस साइड में, इसके साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई वन है, और मान लो कि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये कैसी नेचर की है, वेरिएबल है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। थोड़ा मैं स्पेशल केस ले रहा हूं फील करवाने के लिए बस। इसका लेंथ ले लेते हैं 2L, राइट। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि जरा फोर्स बताइए, तो आप बता पाओगे, बिल्कुल बता पाएंगे। क्या होगी फोर्स, सोचो, अगर E2 ज्यादा है तो क्या होगी, कि QE2 माइनस QE1, राइट। तो हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। अच्छे से विजुलाइज कीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, QE2 माइनस E1। तो ये एक जनरल चीज मैंने आपको बताया। अब एक चीज और समझिए, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि वैसा ही कुछ फील्ड है लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है, और मैंने डायपोल को रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, क्लियर, और इसके बीच का सेपरेशन मैं थोड़ी देर के लिए डी आर लेता हूं, डिफरेंशियल सेपरेशन लेता हूं। देखिए हकीकत में क्यू और माइनस क्यू डिफरेंशियल सेक्शन पे सेपरेटेड ही होते हैं। आपको पता ही है कि डायपोल की जो लेंथ होती है काफी काफी छोटी ली जाती है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये डिफरेंशियल सेपरेशन इनका तो है ही। तो चलिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू काफी कम सेपरेशन पे है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। तो इस जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज कीजिए ई वन होगी, और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई टू, राइट। तो इस जगह जो फोर्स होगी, या ई टू यहीं पर ले लेते हैं और इस जगह पर लेते हैं क्यू ई वन, अच्छे से फील कीजिएगा। तो यहां पे मैं आपसे एफ नेट पूछूं इस डायपोल पे, तो क्या जवाब होगा आपका, क्यू ई टू
माइनस क्यू इवन, क्लियर? मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऐसा कुछ। अगर मैं क्यू कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, ई टू माइनस इवन। अब सोचिए क्या ई टू माइनस इवन क्या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम होगी? ऑब्वियसली हम काफ़ी कम डिस्टेंस आगे बढ़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंजिंग होगी बहुत बहुत स्लाइट हुई होगी, जस्ट डिफरेंशियल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हुई होगी। तो क्या हम इस चीज़ को क्या डेल्टा ई बोल लूँ, या और बेटर तरीके से क्या मैं इसको डी ई बोल लूँ? इस चीज़ को आप पहले समझिए, जो मैंने लिखा उस चीज़ को आप एक बार फील कीजिए। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बट एक ही डायरेक्शन में, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया आपको फील करवाने के लिए। तो इस साइड में जो फोर्स लग रही होगी वो क्यू ई टू लग रही होगी, और इस साइड में जो फोर्स लग रही है फील्ड के अपोजिट तो माइनस क्यू ई वन जो इस साइड में। तो इस फोर्स में से इस फोर्स को अगर मैं माइनस कर लूँ तो क्या इस पर नेट फोर्स पता पड़ जाएगा, जो कि मैंने किया। लेकिन मैंने बताया कि ये जो सेपरेशन है चार्जेस के बीच का वेरी वेरी स्मॉल है, डिफरेंशियल है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चेंजिंग होगी ई टू और ई वन की जो चेंजिंग होगी वो भी तो डिफरेंशियल होगी, वो भी तो काफ़ी कम होगी, जिसको हमने डेल्टा ई या और अच्छे से लिखे तो डी ई लिख दिया। अब इसमें एक छोटा सा चीज़ और मैं आपको बताऊँ, क्या हम डी ई को थोड़े देर के लिए क्या डी ई बाई डी आर इंटू डी आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, डिफरेंशियल जो सेपरेशन है उससे मैं डिवाइड कर दिया और फिर डीआर। लेकिन क्यू टाइम्स ऑफ डीआर को हम क्या बोल सकते हैं सोचिए, तो चार्ज इनटू सेपरेशन, अभी 2L नहीं लिख रहा हूं मैं, डीआर लिख रहा हूं, तो क्यू टाइम्स ऑफ सेपरेशन इज व्हाट, डायपोल मोमेंट। सो पी इनटू क्यू इनटू डीआर इज व्हाट, पी इनटू डीई बाई डीआर। तो हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्मूला तैयार हो गया, जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर हो, मान लो लीनियर हो एक ही डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज चेंज कर रही हो, तो हम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, किसी भी डायपोल पे जो फोर्स लग रही होगी उस फील्ड में, उस डायपोल की डायपोल मोमेंट इनटू डीई बाय डीआर हम इससे गवर्न करा सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? इस फॉर्मूला को यूज करके चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करके सिखाता हूं, तो ज्यादा आपको फील आने वाली है कि ये फॉर्मूला क्या कहती है, ठीक है? तो पहले आप इस चीज को अच्छे से कॉपी कर लीजिए और फिर मैं आपको इस फॉर्मूला पर चीजों को सिखाता हूं। लेकिन कॉपी करने से पहले मैं एक बार चीजों को रिवाइज करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया आते ही कि अभी हम लोग डायपोल को कहां रखने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पे फोर्स, नेगेटिव पे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड की लगेगी, तो नेट फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता। जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो डायपोल ट्रांसलेटरी मोशन में पक्का होगी। अब सवाल ये उठता है कि फोर्स वो कितनी होगी, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव पे फोर्स निकाल लें, नेगेटिव पे फोर्स निकाल लें और दोनों का माइनस कर लें, या वैक्टर के तरीके से नेट वैक्टर देख लें तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने एक स्पेशल केस किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है लेकिन वेरिएबल नेचर की है। वैसे केस में हमने एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश किया कि छोटे से डायपोल पे, ऑब्वियसली डायपोल तो छोटा ही होता है बट और मैं छोटा लेता हूँ, उस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो जिस डायपोल को हमने रखा है उसका डायपोल मोमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है उसका आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन डी ई बाई डी आर, इसके हेल्प से हम उस छोटे से डायपोल पे फोर्स पता कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज को आप अच्छे से कॉपी कीजिए, फिर मैं एक दो सवाल आपको इस पे करा के बताता हूं, बहुत ही मजेदार सवाल होगा। आइए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई चार्ज स्फीयर है प्लस क्यू, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, यहां से 4R पे हमने एक जस्ट पॉइंट लिया और जस्ट यहां पे मैंने एक छोटा सा डायपोल रखा है। ये डायपोल डिफरेंशियल लेंथ का है, मतलब एक पॉइंट जैसा ही होगा ना जस्ट, तो इस डायपोल की जो डायपोल मोमेंट है वो मैंने P नॉट ले लिया, राइट? और कितनी डिस्टेंस है इसके सेंटर से, 4R पे। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आप बताएं कि फोर्स डायपोल पे क्या होगी इस चार्ज के वजह से, ठीक है? इस चार्ज के वजह से इस पे फोर्स क्या होगी डायपोल पे। अब सोचिए क्या ये चार्ज यहां पे पूरे रीजन में फील्ड क्रिएट करेगा? बिल्कुल। और इसकी फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, पता है आपको। तो किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन पे आपसे तो फोर्स पूछा ही जा सकता है ना, हमने तो जनरलाइज कर ही दिया था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, डायपोल मोमेंट
और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, ऐसा ही कुछ था। चलिए उस कंसेप्ट को यूज करके हम उस डायपोल पे फोर्स निकालते हैं। तो अपना सवाल क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन वेरी स्मॉल डायपोल। क्लियर, फोटो में सब कुछ मेंशन है। तो सबसे पहली चीज कि एक जनरल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एक जनरल आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे वैरी करती है वो पहले पता करते हैं। तो आपको पता है ना स्फेयर के वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर ड्यू टू स्फेयर, और एक्चुअली वो शेल है तो स्फेरिकल शेल लिख देते हैं, क्या होनी है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो पता पड़ गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, बिल्कुल, आर पे वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है। अब हम लोग क्या करें, एफ का फॉर्मूला क्या देखें, पी टाइम्स ऑफ डी ई बाई डी आर, राइट। तो पी क्या है, पी नॉट, और डी ई बाई डी आर, तो इसको डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, राइट। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ध्यान से देखिए, के क्यू बाहर आ जाएगा, पी नॉट रह जाएगा और 1 बाई आर स्क्वायर ऊपर ले जाते हैं, और इसका डिफ्रेंसिएशन पीछे माइनस टू हो जाएगा और एक पावर डाउन हो जाएगा तो माइनस थ्री, जिसको मैं नीचे लेता हूं, तो 2 के क्यू पी नॉट निगेटिव बाई आर क्यू। तो ये तो जो फोर्स हुआ वो जनरल आर पे हुआ ना, राइट। तो हमें कहां पे फोर्स निकालनी है, 4R पे, यहां से किस लोकेशन पे, 4R पे। तो चलिए मैं फोर्स निकाल लेता हूं, आर क्यू की जगह पर 4R हम डाल लेते हैं, तो ये फोर्स हो गया किस पे, इस छोटे से डायपोल पे। अब एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इस फोर्स में निगेटिव साइन आ रही है, ठीक है। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है वो मैं आपको क्लियर करूं। देखिए, जहां भी कंजर्वेटिव फील्ड्स पे अगर फोर्सेस कहीं अगर निगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जिस सिस्टम पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव नेचर का है। अगर प्लस हो रहा है तो वो रिपल्सिव नेचर का। तो ध्यान से समझे, ये फोर्स कैसा है, निगेटिव, तो ये कैसा हो गया, अट्रैक्टिव नेचर का। मतलब ये वाली जो डायपोल होगी इस फील्ड के वजह से अट्रैक्ट होगी, मतलब वो इस साइड आएगी। अब आप लोगों के दिमाग में हो रहा होगा कि सर लॉजिकली कुछ क्लियर नहीं हुआ कि ये कैसे आ रही होगी, तो थोड़ा मैं आपको फील करवाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सोचिए, सोचिए जो डायपोल ऐसे रखी गई है, मतलब इसका निगेटिव स्पॉट इस साइड में होगा और पॉजिटिव स्पॉट इस साइड में होगा, थोड़ा फील करो। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को खींचेगी और पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव को खींचेगी और प्लस को रिपेल करेगी। लेकिन सोचिए, इसके पास कौन है, माइनस क्यू ज्यादा पास है, प्लस क्यू ज्यादा दूर है। तो सोचिए, अट्रैक्शन ज्यादा होगा या रिपल्सन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन कम। तो फाइनली ये बॉडी जो डायपोल है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो साफ क्लियर है कि ये डायपोल जो छोटी सी है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट ही होगी। तो ये निगेटिव साइन का ये मतलब है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, आप ऐसे भी इस चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो होपफुली क्लियर है ये। तो चलिए, आप इस तरह से किसी भी सिस्टम, अभी मैं तो एक सिंगल सिस्टम लिया, ऐसे कोई भी हो सकता है, जैसे एक रिंग ले लिया जाए, डिस्क ले लिया जाए, बहुत तरह का सिस्टम ले लिया जाए और फिर वहां पर डाल दिया जाए और फिर आपसे पूछे कि उस पर फोर्स क्या होगी, आप बताएं, ठीक है। तो हो जाएगा, कॉपी कर लो इस चीज को। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी भी डायपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो उस पर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, हमने डिफरेंशियल फॉर्म में उसे निकाला है। आइए अब हम लोग बात करेंगे दो डायपोल कैसे एक दूसरे को इंटरैक्ट करती है, मतलब एक डायपोल दूसरे डायपोल पे कैसे फोर्स एक्ट करती है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो उस केस की चर्चा हम लोग इसी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंटरैक्शन बिटवीन
two dipoles. तो हम लोग केस वाइज बात करते हैं. फोटो को आप देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि अलग अलग केसेस में पक्का होंगी. पहली केस तो ये कि जब दो डायपोल एक दूसरे के एलोंग है. क्लियर है? एक दूसरे के जस्ट एलोंग है. ध्यान से देखिए, और ये डायपोल काफी छोटा है तो जस्ट पॉइंट जैसा होगा ना. इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया जाए स्मॉल आर है, राइट? और इस डायपोल की डायपोल मोमेंट P1 है और इस डायपोल की डायपोल मोमेंट P2 है. तो आप बताएं कि ये डायपोल इसको अट्रैक्ट कर रही होगी या रिपेल कर रही होगी, राइट? कितनी फोर्स एक दूसरे पे लगा रही होगी, उसको हमें कैलकुलेट करना है. इसको बनाने के मेरे पास दो लॉजिक है. तो पहला लॉजिक तो आपको आ रहा है, चलो उसी से मैं आपको कर देता हूं. क्या करूंगा, किसी एक डायपोल को रेफरेंस लेता हूं, इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं और DE बाई DR निकाल लूंगा और उसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, P2 से. तो अपना आंसर आ जाएगा. तो चलिए पहला आंसर करते हैं. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द साइट ऑफ सेकेंड डायपोल ड्यू टू फर्स्ट. क्लियर है? मतलब सेकेंड डायपोल के जगह पर फर्स्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले निकालना चाहेंगे. और ये चीज आपसे छुपा नहीं है, आपको पता है. हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक्सियल पोजीशन पर किसी भी डायपोल के वजह से इंटेंसिटी होती है 2kp/rq. याद होगा कितना होता है, 2kp/rq. और इस वाले पोजीशंस पे कितनी होती है, सोचो, kp/rq, मतलब उसकी हाफ होती है. ये चीज मैंने आपको बता रखा है. सो यहां पे इंटेंसिटी इसके वजह से निकालें तो ऑब्वियसली 2kp, पी के जगह पर p1/r का क्यू होगा. चलो ये तो निकाल लिया. तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स ऑन सेकेंड डायपोल, तो बहुत ही आसान है. सो दिस विल बी द P2 टाइम्स ऑफ DE/dr. सो P2 और डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका. तो ये सब तो कांस्टेंट है तो पीछे हो जाएगा ना, 2kp1 पीछे, तो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/rq का r के रिस्पेक्ट में. तो 2kp1 p2 ऊपर ले आते हैं तो r^-3, नीचे r. इसको सॉल्व करते हैं तो -3 पीछे आ जाएगा, तो -3 अगर पीछे आ जाएगा तो -6 हो जाएगा. यहां पे -6 kp1 p2 और -3 पीछे आ गया और r^ ऑब्वियसली एक कम होगा तो -4 हो जाएगा, तो r^-4. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -6 kp1 p2/r^4, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया. किस डायपोल पे, इस डायपोल पे. अब सोचो यहां फोर्स क्या आ रहा है, माइनस. तो जस्ट पहले की तरह माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये वाली डायपोल इस पे क्या होगी, अट्रैक्शन लगाएगी और ये वाली भी इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी एक दूसरे को क्या करेंगी, वो अट्रैक्ट करेंगी. क्लियर है? तो ऐसे भी ये क्लियर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से क्या थी, इस साइड में थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर किसी डायपोल को रख रहे हैं, राइट, तो वो उस फील्ड की ओर क्या होगी, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी. जस्ट स्फेरिकल केस जो किया था उसमें भी तो यही था ना, याद होगा, स्फेयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में थी और यहाँ पे मैंने डायपोल रखा था इस तरीके से, तो ये इस साइड में अट्रैक्ट हुआ था. तो जस्ट उसी तरीके से ये क्या होगी, अट्रैक्ट होगी. तो कितना फोर्स लगेगा, 6kp1 p2/r^4. ये सो बढ़िया रिजल्ट है, आप इसको मेमोराइज कर लें. तो एक तरीका तो ये हो गया. जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम चाहें तो सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं. देखिए कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है ना, कंजर्वेटिव फील्ड में एक फोर्स का फॉर्मूला होता है -DU/dr. होपफुली आपने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में इस चीज को पढ़ा है. तो अगर मैं सेकेंड मेथड से इसको बनाऊं, ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड. राइट, केस वन में फर्स्ट मेथड लगा रहा हूं, केस वन में ये ओरिएंटेशन है डायपोल का. सेकेंड मेथड में मैं बहुत सिंपल लॉजिक यूज करूंगा, F=-DU/dr. क्लियर है? और पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके, जिस पोजीशन पे ये है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके और फिर उसका डिफरेंशिएशन करूंगा. तो चलिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे. तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. किसी भी डायपोल का एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला है, क्या निकाला है याद कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस, याद होगा, P.E.
माइनस पी डॉट ई। तो चलिए अभी फिलहाल इस डायपोल की चर्चा कर रहे हैं, तो पी टू क्लियर है, कौन सी पी टू माइनस और ई, और ई यहां पे क्या होगी इसके वजह से लिखना पड़ेगा ई। तो चलिए ई लिखते हैं, और एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे करते हैं पी ई कॉस थीटा कर लेते हैं यहां पे, और एक काम करते हैं माइनस पी टू और ई की जगह पर डालते हैं। तो यहां पे ई क्या होगी सोचो, तो यहां पे ई होगी के पी वन, एक्चुअली टू के पी वन बाई आर का क्यू, यही होता है ना, और कॉस थीटा। अब थीटा क्या होती है ये आपको पता है, थीटा क्या होती है एंगल किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है और पी भी इस साइड में है, तो दोनों के बीच एंगल कितनी होगी जीरो डिग्री ना। तो क्या यूज करें यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया सोचिए, माइनस टू के पी वन पी टू कॉस जीरो वन, नीचे हो गया आर क्यू। तो इतना तो आपको पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, माइनस टू के पी वन पी टू बाई आर क्यू। अब मुझे फोर्स चाहिए, माइनस डिफरेंशिएशन कर दें आर के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, तो चेक करते हैं माइनस, और माइनस यहां पे ऑलरेडी है तो जब निकलेगा बाहर तो प्लस हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं टू के पी वन पी टू को बाहर कर लेते हैं और वन बाई आर क्यू का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में। अगर आप ध्यान से देखें तो आर क्यू ऊपर चला जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस थ्री और नीचे आर की पावर फोर। तो फाइनली हम वही देख पा रहे हैं, जो फोर्स की जो फॉर्मूला दिख रही है एग्जैक्टली वही आ रही है जो इस केस में आई थी, माइनस सिक्स के पी वन पी टू बाई आर की पावर फोर, वहां भी माइनस सिक्स के पी वन पी टू बाई आर की पावर फोर। तो इस दोनों में क्या था फर्क था, मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से निकाले हैं और इसमें क्या किया है हमने, कंजर्वेटिव जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उसके हेल्प से निकाला, और इसमें ध्यान इस बात का रखा कि पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का या उस डायपोल का लिखा, और बड़े ही आसानी से लिख पाया क्योंकि हम लोग प्रीवियसली इस चीज को डिराइव किए हुए हैं कि माइनस पी टाइम्स वी होता है, ठीक है, जहां थीटा क्या होता है उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल। सो साफ क्लियर है यहां पे पी टू इस साइड में था और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इसी साइड में थी, तो दोनों के बीच एंगल जीरो डिग्री था, तो ये हमने कर लिया। तो आप दोनों तरीके से चीजों को कर लीजिए, मैं आपको तरीके इसलिए अलग अलग बताता हूं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा वास्ट हो जाए, राइट। तो चलिए आप इस चीज को अच्छे से कॉपी कीजिए और केस सेकेंड फिर हम लगाएंगे जिसमें डायपोल के ओरिएंटेशन को थोड़ा हम बदलेंगे, अभी ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, अब एक को थोड़ा खड़ा कर लेंगे ऐसे, क्लियर है। तो चलिए इस चीज को कॉपी कीजिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं जिसमें डायपोल का ओरिएंटेशन हम लोग थोड़ा चेंज करने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई डायपोल है इस तरह से, और यहां पे कुछ इस तरीके से एक P2 डायपोल को रखा है हमने, और ये P1 है, सेम डिस्टेंस R पे है, फोर्स निकालनी है। तो अब की बार ये जो डायपोल है इसके किस पोजीशन पे है सोचो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन का ई निकाल करके और फिर वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पे ई सबसे पहले निकालेंगे तो क्या होगा सोचो, ऑब्वियसली के टाइम्स ऑफ पी वन डिवाइडेड बाई आर का क्यू, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होगा उस पर, तो वो हो गया पी टू और डी ई बाई डी आर। तो पी टू और डी ई यानी अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो के पी वन पीछे हो जाएगा और डिफ्रेंसिएशन होगा वन बाई आर क्यू का आर के रिस्पेक्ट में, तो K हो गया P1, P2 और RQ का तो पीछे माइनस थ्री और नीचे R की पावर फोर, शॉर्टकट कर ले रहा हूँ, आप कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ भी फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, आप चाहें तो इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, F इक्वल्स माइनस डी यू बाई डी आर, वो भी आप कर सकते हैं, वो आपसे हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से विजुलाइज कीजिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो रहा है, माइनस थ्री के पी वन बाई पी टू बाई आर फोर। सो होपफुली ये चीजें क्लियर हैं, क्लियर है। अब इसी चीज में ऐसा भी तो हो सकता था, दोनों डायपोल इस तरीके से हो, पैरेलल हो और इनके बीच की डिस्टेंस ऐसा कुछ हो जाए, सोचो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस सिचुएशन में भी तो वही होगा, इसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, राइट, फिर वही होगी, डायपोल वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाली है, राइट। तो क्या कर लें, के पी वन
3K P1 P2 by RQ4। तो इस तरीके से देखा कि जब दो डायपोल एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 3K P1 P2 by R, जस्ट इसी की तरीके। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस दोनों में फोर्स का फॉर्मूला वही है लेकिन इसमें माइनस आता है, राइट, तो इसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और आप जब इसमें एनर्जी मेथड से करके देखोगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन। ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप इस चीज को एनर्जी मेथड से करके देखोगे तो जो फोर्स आएगा पक्का क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। और एनर्जी मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जस्ट इस साइड में होगी, सोचो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इस साइड में, किसी भी डायपोल के वजह से किसी इस वाले पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इस साइड में होती है, तो जस्ट इस साइड में होगी। तो पी टू और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, वो डाल लेंगे और यहाँ पे पहले एनर्जी निकाल लेंगे और उस एनर्जी को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पक्का प्लस आएगा। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि दो डायपोल का इंटरैक्शन क्या होता है, अगर दोनों सेम लाइन में हो, राइट, तो वैसे केस में 6 times ऑफ KP1 P2 by R4 आती है, और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर एक ऐसे हो और एक इस तरह से हो तो क्या आता है, 3K P1 P2 by R4। दोनों के केस में फर्क यह है कि उसमें रिपल्सिव होती है और इसमें क्या होती है, अट्रैक्टिव। सो होपफुली आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए, इतनी छोटी सी बात है तो अब एक छोटा सा बात और हम लोग डिस्कस कर लें, टॉर्क। देखिए टॉर्क क्या होता है ना, कि सबको पता है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में किसी भी डायपोल को अगर रखेंगे तो इस साइड में फोर्स कुछ और होगी और इस साइड में फोर्स कुछ और होगी, क्लियर है। तो यहां भी क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट तो होनी ही है, यहां भी क्या होनी है, टर्निंग इफेक्ट होनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जैसे मान लो कि फील्ड एक ही डायरेक्शन में ऐसे और फील्ड की मैग्नीट्यूड केवल बदल रही है, तो ऐसे केस में यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा और यहां पे फोर्स कुछ कम लगेगा, क्लियर है, कुछ अलग अलग फोर्स लगेगा। तो जब एक ही डायरेक्शन में फील्ड वैरी कर रही हो तो ऐसे केस में ये टर्न नहीं करने वाला, क्योंकि फोर्सेस जो भी हो अनइक्वल फोर्सेस है, लेकिन लग तो रहा है एक ही लाइन में ना। अगर मेरा ये पेन ले लो और इस पर अगर 10 न्यूटन का है, इस पर 4 न्यूटन का, तो क्या होगा, बस इतने से होगा कि ये अगर इस पर 10 है और ये 4 है तो इस साइड में वो चली जाएगी, रोटेट तो नहीं करेगी ना। तो यही बात है, तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा कि जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं तो टॉर्क जीरो हो भी सकती है और टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकती है। जीरो तब होगी जब वही ओरिएंटेशन कैसे रखेंगे, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब किसी और एंगल पर रखेंगे तो टॉर्क जीरो नहीं होगी, क्लियर है। तो चलिए इन सब चीजों को आप अच्छे से एक बार एनालाइज करिए और आज के वीडियो सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ और नई चीजों के साथ हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।